आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती की तरफ से जयंती महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है, तो इसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताएं। हर वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी हम महाराणा प्रताप जयंती बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। विशाल वाहन रैली के रूप में हमने झोटाड़ा खातीपुरा कवर करके अब गंतव्य स्थान में पहुँचे हैं। इसके पश्चात अब हम महाराणा प्रताप की जो जीवनी है उस जीवनी में प्रकाश डालेंगे और समाज में जो बच्चे हैं प्रतिभाशाली, उन बच्चों को महाराणा प्रताप के विचारों के बारे में, उद्देश्यों के बारे में और स्वामी भक्ति के बारे में उग्रत कराने का प्रयास करेंगे। और जो भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उन्हें हम महाराणा प्रताप सम्मान से सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। महाराणा के जीवन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास हम सब भी करते हैं और मेरी पूरी कार्यकारिणी करती है। और मैं सभी मेरे मित्रों से और जो भी मेरी भाई बहन जो भी आए हैं उन्हें भी कहता हूं कि महाराणा प्रताप के विचार, उद्देश्य और वीरता को अपने जीवन में उतारे, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और आप एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। और महाराणा के विचारों और उद्देश्य को जो व्यक्ति उतारेगा वो निश्चय ही सफलता की ओर जाएगा। जय महाराणा, जय मेवाड़। महाराणा प्रताप के जीवन में इतनी घटनाएं हुई, उनके विचार हैं, तो उनके विचारों को आम जनता तक लेके जाने के लिए आप लोग क्या क्या कार्य करते हैं? हम महाराणा प्रताप के विचारों को उद्देश्य जन जन तक जन संपर्क के द्वारा घर घर जाकर जिस माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से पूरे निरंतर पूरे वर्ष तक चलाते हैं, जिससे कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो नहीं जानता वो महाराणा प्रताप के बारे में जाने। हमारी संस्था का कोई उद्देश्य नहीं है, न कोई पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ महाराणा को जाने और महाराणा की वीरता को जाने और उस मेवाड़ को और उस हल्दीघाटी को जाने जहाँ से पराक्रम चालू होता है, जहाँ ही पराक्रम खत्म होता है। अगर मेवाड़ नहीं होता तो आज हिंदुस्तान का कोई इतिहास भी नहीं होता। आज के युवा के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं महाराणा प्रताप जयंती पर? मैं मेरे प्रदेशवासी के युवा को वो संदेश तो नहीं दूंगा जो महाराणा करते थे, क्योंकि ये युग प्रजातंत्र का है, लेकिन कलम की ताकत से महाराणा के उद्देश्य और विचारों को अपने मन में ढालें और लिखें और समाज में ऐसी भावनाएं प्रेरित करें जिससे एक नया बच्चा जो आ रहा है समाज के अंदर वो जागृत हो और महाराणा के विचारों और उद्देश्य को समाज में ले जाने का प्रयास करे। धन्यवाद।